हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप नया फार्म देख रहे हो, इस फार्म का नाम पाटीदार गोट फार्म है। और दोस्तों, इस फार्म के जो ओनर हैं उनका नाम कमलेश पाटीदार है। दोस्तों, जैसे कि आप इस फार्म को देख रहे हो, यह पहले एक डेयरी फार्म था, परंतु डेयरी फार्म पर इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने के कारण वहाँ पर सारे जानवर इन्होंने बेचे और उसके बाद यहाँ पर बकरी फार्म खोल दिया है। ये एक नया गोट फार्म है और इस फार्म के खोले हुए 1 साल हो गए हैं। इस फार्म में आपको सिरोही, तोतापरी, सोजत ये 3 नस्ल की बकरियां मिलेगी। इस फार्म के खोले हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और जब पहली बार इन्होंने फार्म को खोला था तो 70 बकरों से स्टार्ट करा था और आज इनके पास 120 से लेकर 130 तक बकरा और बकरियाँ हैं। दोस्तों, अगर आपको सिरोही, सोजत और तोतापरी की नस्ल के बकरे या बकरियां चाहिए तो आप इस फार्म से ले सकते हो। आप अगर मध्य प्रदेश से हो या फिर महाराष्ट्र से हो तो इस फार्म के जो मालिक है कमलेश पाटीदार जी, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आप देख रहे हो, ये एक फीडिंग ट्रे है और यह जो चारा है वो मसूर का चारा है। इस फार्म में पशुओं को खाने में सुबह दाना दिया जाता है। दाने में जैसे मक्का, चना, कपास की खली आदि दिया जाता है। दोपहर में इन पशुओं को सूखा चारा दिया जाता है। सूखे चारे में मसूर का चारा, चने का चारा और सोयाबीन का चारा दिया जाता है। तो मसूर के चारे ज़्यादातर फार्म में दिया जाता है। तो मसूर का चारा क्या रहता है कि जब पशु को खिलाते हैं मसूर का चारा तो उससे क्या, वो उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और पानी अच्छा पिएगा, जिससे ज़्यादा पशु बीमार नहीं होता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो कोशिश करें कि आप मसूर का चारा खिलाएं। मसूर का चारा बकरों को खिलाने से फ़ायदा यह होता है कि बीमारियां वगैरह ज़्यादा नहीं होता है और ये खर्चा भी कम करता है। जैसे अगर आप मसूर का चारा खिलाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा मार्केट से। अदर जैसे दाने वगैरह का खर्चा भी कम हो जाएगा उससे, तो दाना वगैरह आपको ज़्यादा नहीं खिलाना पड़ेगा। तो आप मसूर का चारा जहाँ भी आपको मिले तो आप ले उसको लाइए और 1-2 बकरों पे ट्राई करें, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप फिर सभी बकरों को खिलाएं। अगर कोई भाई यूपी या बिहार से हो और वो सूखे चारे का बिजनेस करता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने चारे की फ़ोटो या वीडियो भेज सकता है। जिससे क्या होगा कि कोई नया भाई बकरी पालन करना चाहता है और उनके पास चारे की व्यवस्था न हो तो वो आपके से संपर्क कर सके, और मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस फार्म में शाम को खाने में हरा चारा दिया जाता है। तो हरे चारे में ये रजगा देते हैं। तो अगर आप रजगा नहीं जानते हो क्या होता है तो एक मेरा वीडियो बना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि रजगा खिलाने से बकरों को क्या फ़ायदा होता है, और ये सारी जानकारी उस वीडियो में है, तो आप वो वीडियो देखिए। दोस्तों, अगर आप इस फार्म में विज़िट करना चाहते हो तो ये फार्म आपको मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, और इस फार्म का एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस फार्म की जो मैप वाला एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, इस फार्म को भी आप विज़िट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फार्म बनाया है इन्होंने।